हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग? मैं भी बहुत अच्छी हूँ, आप सब लोग कैसे? आई होप आप सब लोग भी अच्छे होंगे। चलिए आज कुछ बात करते हैं, कुछ पर्सनल बात करते हैं। आई नो दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव नेवर टॉक्ड अबाउट, एंड कभी 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 मैंने थोड़े बहुत हिंट्स दे रखे हैं, बट मैंने कभी खुल के बात नहीं करी है इस बारे में। येस, आई हैव बीन इन अ रिलेशनशिप एंड इट्स बिन ऑलमोस्ट 2 ईयर्स नाउ जब वो रिलेशनशिप था। अभी तो 2 साल हो गए हैं उसमें, मतलब 2 साल हो गए ख़त्म जब से वो हो गया है वो चीज़। आई एम नॉट एंकरेजिंग दिस थिंग कि यार तुम लोग भी करो, बट मैं बस ये बताना चाहती हूँ, मैंने कभी इस बारे में बात की नहीं है, बट देर इज़ यू नो वन ऑफ द ट्रेजेडी, और आई वुड से दैट इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। येस, सो आई होप कि मे बी मेरी इस स्टोरी से आपका थोड़ा बहुत या किसी का भी थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि जो मैंने रियलाइज़ किया है अपनी लाइफ में, जो मैंने चीज़ें देखी है अपनी लाइफ में, जो मेरा एक्सपीरियंस है खुद का, तो उसके बेस आई नो इट्स नॉट ईजी टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स वैन आई नो दैट देर आर सम फैमिली मेम्बर्स ऑफ माइन इन दिस व्हाट्सएप, सॉरी नॉट व्हाट्सएप, इन माई यूट्यूब चैनल, बट स्टिल आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इट। बट आई थिंक इट्स जस्ट नॉर्मल, लाइक एवरी वन गोज थ्रू इट एंड देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। एंड इफ यू कुड इंस्पायर समबडी, इफ़ यू कुड थ्रू योर एक्सपीरियंसिस, इफ समबडी कैन लर्न, देन देर इज़ नथिंग ब्लेसिंग मोर देन दिस, राइट? क्योंकि अगर कोई आप से कोई सीखता है, किसी को आप एक इंस्पिरेशन मिलती है, तो उससे आई डोंट थिंक कोई ब्लेसिंग हो सकती है आपके लिए। तो अब मैं शुरू करती हूँ बात को। सो देर वॉज दिस गाई हुम आई मेट ऑनलाइन, आई डोंट वॉन्ट टेक नेम, लेट जस्ट दैट पर्सन बी एक्स। तो हम लोग ऑनलाइन मिले एंड देन यू नो आई वॉज जस्ट क्रेजी अबाउट इट। आई फ्रॉम दी वेरी लॉन्ग, जब से जो मेरी जिंदगी है, बहुत टाइम से यू नो आई हैव बीन वेरी लोनली काइंड ऑफ अ किड। येस, आई हैव बीन वेरी लोनली, मतलब मेरे पेरेंट्स हैं, मैंने कभी भी खुल के उनके साथ कभी बात नहीं कर पाई, या फिर जो मेरे सिबलिंग्स हैं, आई वॉज नेवर कनेक्टेड टू एनी ऑफ माई सिबलिंग्स। माई पेरेंट्स ऑलवेज टोल्ड मी कि यार तुम बस जैसा कि आमतौर पे होता है हर किसी फैमिली में, होती इतनी खुल के बात नहीं की जाती है, स्पेशली अबाउट दीज थिंग्स, अबाउट जब आपको एक नया नया सोशल मीडिया का एक्सपीरियंस होता है एंड देन आप नए नए सोशल मीडिया पे आते हो, तो आपको ज़्यादा पता भी नहीं होते, और अगर आप कुछ करते भी हो, मतलब किसी से बात करते हो, कुछ भी, आप खुल के नहीं बोल सकते हो अपने पेरेंट्स को। आई नो, आई मीन वी लिव इन एशियन कंट्री, सो आई नो कुछ पेरेंट्स काफ़ी कूल होते हैं, दे आर वेरी कूल विद देयर चाइल्ड, बट कुछ पेरेंट्स ऐसे नहीं होते, काफ़ी कंजर्वेटिव होते हैं। सो सेम वॉज द केस विद मी। तो अब कहने का मतलब ये है कि सो व्हेन आई मेट दिस पर्सन एंड आई वॉज हैप्पी, यू नो स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी अच्छा अच्छा लगता था कि चलो ठीक है, देर इज़ समबडी हुम आई कैन लुक अप टू एंड आई कैन शेयर माई थिंग्स विद, बिकॉज आई सिंस अ लॉन्ग टाइम आई हैव बीन अ वेरी लोनली किड। दिस इज़ अ रीज़न यू नो वाई पीपल से कि यार तुम बहुत अजीब हो, या फिर तुम खास कुछ तुम्हें तुम सिर्फ पढ़ाई की तरफ इंक्लाइंड हो, या किसी एक चीज़ की तरफ इंक्लाइंड हो, देर इज़ अ रीज़न बिहाइंड एवरी थिंग, राइट? सो आप किसी को जज नहीं कर सकते हो कि कोई आपके साथ, या फिर कुछ भी ऐसा, मतलब मुझे कभी भी ऐसा कुछ लगा नहीं कि यार कोई एक पर्टिकुलर इंसान है जिसके साथ मैं काफ़ी कनेक्ट हो पाऊँ, जिसके साथ मैं अपना सब कुछ, मैं मतलब जिसके साथ मैं कोई शेयर कर पाऊँ कोई बात, बिकॉज आई डोंट हैव अ सिस्टर एज वेल। सो बचपन से ही मैं काफ़ी, तो फिर एक दिन जब ऐसा ऐसी चीज़ हुई एंड आई ऑन फेसबुक आई मेट दिस पर्सन एंड देन आई गॉट कनेक्टेड, तो फिर धीरे धीरे बात बढ़ती गई एंड फिर 4 साल हो गए इस चीज़ को, एंड देन आई गॉट वेरी मच अटैच्ड, मतलब बहुत अटैच मैं हो गई। एंड देन सडनली व्हाट हैपेंड, फिर जैसा कि सब किसी हर किसी चीज़ में होता है, ख़त्म हो गया, ब्रेकअप काइंड ऑफ थिंग लेट्स से। तो वो चीज़ जब ख़त्म हो गई, मतलब आई वॉज कम्प्लीटली शैटर्ड, टोटली आई वॉज, मतलब वो आई वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इट्स बीन ओवर, इट्स ओवर नाउ।
तो उस चीज़ को समझने में, उस चीज़ को इंटरप्ट करने में, उस चीज़ को देखने में मुझे बहुत टाइम लगा। मैं रोती थी बहुत ज़्यादा। आई मीन आई यूज़ टू आई नो कि उस पर्सन की भी बिल्कुल भी गलती नहीं है। इट वॉज़ जस्ट आई वोंट से दैट ऑल फॉल्ट वॉज माइंड बिकॉज आई ट्रस्टेड दैट पर्सन एंड लव दैट पर्सन सो मच दैट आई डिडंट इवन थॉट कि यार ऐसा कभी हो भी सकता है क्या। सो वट हैपन्ड वॉज मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा अटैच थी एंड देन वेन दिस थिंग हैपन्ड आई वॉज सडनली शैटर्ड। आई वॉज कम्प्लीटली ब्रोकन। सो आई जस्ट रियलाइज द फैक्ट कि यार जब भी आप किसी रिलेशनशिप में होते हो या फिर आप जब भी किसी से कनेक्ट होते हो तो एक चीज़ होती है जब आप अटैच होते हो किसी से एंड दैट अटैचमेंट इज़ वेरी आई मीन दैट इज़ वेरी डेंजरस थिंग। क्योंकि मैं ये नहीं बोलती हूँ कि इवेंचुअली इट हैपन्स वेन यू गेट टू नो समवन एंड वेन यू फील कि यार वो भी आप ही के जैसा है या आप भी उन्हीं के जैसे हो एंड देन दैट जो एक टाइम का जो होता है आप फिर आपको रियलाइज़ होता है धीरे धीरे कि यार वो पर्सन तो रहना ही नहीं चाहता है आपसे। सिर्फ आप ही एक ऐसे इंसान हो दैट यू आर जस्ट बेगिंग दैट पर्सन टू बी विद मी प्लीज़ 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 एंड यू आर जस्ट डूइंग ऑल दीज थिंग्स। इट्स नाउ 2 ईयर्स हो गए अब मैं तब से सिंगल ही हूँ। मैंने कभी किसी पे येस आई यू कैन से दैट आई हैव नो ट्रस्ट इश्यूज़। आई हैव सो मैनी इश्यूज़। आई मीन आई डोंट टॉक टू पीपल मच। पर पता नहीं क्यों वो चीज़ मेरे में अभी भी खटकती है। बट आई थिंक इट वॉज़ अ ब्लेसिंग ऑल्सो क्योंकि अगर मैं उस चीज़ में रही होती तो आई डोंट थिंक मैंने ग्रो किया होता अपनी लाइफ में। मैं बस उसी सर्कल में घूम रही होती एंड आई वुड हैव बीन बेगिंग दैट पर्सन दैट बी इन माई लाइफ बी इन माई लाइफ एंड वो चीज़ ख़त्म हो गई होती और मेरा वजूद ही आई थिंक ख़त्म हो गया होता। सो आई वुड से कि देखिए आप जब भी किसी ऐसी चीज़ में आते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि यार रिलेशनशिप में आना है या कुछ ऐसा करना है सो प्लीज़ बी अवेयर कि आप क्या चाहते हो खुद से और आप नेक्स्ट पर्सन से क्या चाहते हो और आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैंने गलती क्या करी थी मैं काफ़ी ज़्यादा अटैच हो गई थी और जो वो अटैचमेंट थी दैट वॉज़ वेरी हजार्डियस दैट वॉज़ वेरी मतलब बहुत ही ख़तरनाक चीज़ थी वो। क्योंकि मुझे 1 साल लगा था उस फेज से बाहर आने में। इट रियली टुक मी 1 ईयर टू गेट माई सेल्फ आउट ऑफ दैट थिंग। तो बस मैं इसलिए ये कहना चाहती हूँ कि आप जो भी आप अपनी लाइफ में जो हम आजकल बोलते हैं कि यार रिलेशनशिप है वो है ये है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एंड वट एवर इट इज़ होता होगा कुछ की लाइफ में अच्छा चलता होगा बट सबकी लाइफ में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब तक आप खुद से आई थिंक प्यार नहीं करोगे ना आप कोई भी आपसे प्यार करने के लिए रेडी अगर रेडी होगा भी तो वो एक उसके साथ एक एक्सपायरी डेट होगी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपको खुद के लिए उठना चाहिए मतलब अगर आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे बिकॉज आई रिमेंबर इन दैट थिंग यू नो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी। आई हैड टू गो थ्रू OCD वो बार बार वो साइकिल चलता रहता था। आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप आई मीन आई वॉज इन अ बैड स्टेट। ओ माई गॉड मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ ना उस चीज़ को और मुझे लगता है कि यार आई सर्वाइव दैट थिंग आई कैन सर्वाइव एनी थिंग। सो दैट वॉज सच अ चैलेंजिंग फेज फॉर मी एंड आई थिंक दैट वॉज अ ब्लेसिंग फ्रॉम ऑल माई टी दैट कि यार एक हार्श रियलिटी है इस दुनिया की ठीक है ना एक हार्श ट्रूथ है इस दुनिया का जो आपको समझना है कि सब आपके साथ नहीं होते हैं। यू हैव टू बी योर ओन स्ट्रेंथ। कोई भी आप मतलब कोई भी आपका हमेशा साथ नहीं होगा। आपको खुद के लिए खड़े होना है खुद के लिए लड़ना है इस लाइफ में चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो आपके भाई बहन भी क्यों ना हो। मैं बोलती हूँ ना कि मेरे पेरेंट्स या मेरे भाई बहन मम्मी के साथ मेरा अच्छा खासा रिलेशन है ऐसी बात नहीं है बट मेरे जो डैडी और जो मेरे जो बाकी सारे सिबलिंग्स हैं आई डोंट हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद देम। सो आई थिंक दैट वॉज ऑल्सो अ रीज़न दैट यू नो आई फॉल इन टू दिस ट्रैप एंड इट टुक मी यू नो दिस हार्श रियलिटी हिट मी हार्ड। और मुझे थोड़ा मैं काफ़ी सारे लोग मुझे बोलते हैं कि यार तुम बहुत मच्योर हो वो हो। यार मच्योरिटी इसी बेसिस पे आती है जब आप गलतियाँ करते हो जब आपको हिट होती है वो चीज़ तो आप बहुत ज़्यादा आपको दुनिया के बारे में पता चलता है कि क्या है क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है राइट। तो अगर आप किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ पे आपको लगता है कि यार सामने वाला आपको बहुत
गलत ट्रीट कर रहा है, यू आर जस्ट बेगिंग टू दैट पर्सन टू बी इन योर लाइफ, प्लीज डोंट डू दैट. आपकी जो वर्थ है, आपका जो अपना सेल्फ है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आई नो इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी इजी टू से देन डन, इट्स इजियर सेड देन डन. आई नो दैट इसमें बहुत टाइम लगता है, मुझे भी टाइम लगा था. इनफैक्ट 1.5 ईयर इट टुक मी टू यू नो उस चीज़ से बाहर आने में, एंड टू बी मेंटली प्रिपेयर टू टेल माई सेल्फ. एक और चीज़, थोड़ी वीडियो लंबी होगी बट इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस. हमारा एक ईगो भी होता है कि यार मैंने तो इतनी एनर्जी दी है, मैंने तो इतना टाइम दिया है, हाउ कैन दैट पर्सन डू दिस टू मी. हमारा एक ईगो होता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है. बट यू हैव टू लेट दैट ईगो असाइड, यू हैव टू ट्रस्ट द फैक्ट. एंड वन मोर पॉइंट आई वुड से, आप उस पर्सन को दिल से माफ़ कर दो, उसको टेक्स्ट करो कि यार ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी, फॉर योर लाइफ, जो भी कुछ हुआ उसको भूल जाते हैं, एंड ऑल द बेस्ट. यू ऑल्सो से टू योर सेल्फ ऑल द बेस्ट, क्योंकि उससे आपको एक मेंटल पीस मिलता है, और वो एक मेंटल पीस होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में. जब तक आपकी लाइफ में पीस नहीं होगा ना, आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे. सो ऐसे लोग बोलते हैं आपके बारे में, आपको जज करेंगे, आपको बोलेंगे कि यार ये बहुत अजीब सी है, हमसे बात नहीं करती, दिस इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट डियर. सो जस्ट ऑल्सो नो योर वर्थ, कि आपकी प्रायोरिटी क्या है अभी इस टाइम पे. आई नो आई वॉज व्हेन आई गॉट इन टू दिस थिंग, आई वॉज देन आई वॉज आई थिंक आई वॉज 18 और 19, आई डोंट रिमेम्बर प्रॉपरली. बट विद एज यू गेट टू नो द थिंग्स, एंड आई थिंक वो भी एक ऊपर, वो भी एक अल्लाह सुबहाना वाला की तरफ से मेरे लिए एक इम्तिहान ही था, क्योंकि मैं जान पाऊँ, क्योंकि मैं बहुत ईजीली ट्रस्ट करती थी किसी पे भी. सो दैट वॉज आई थिंक, आप काइंड हो वो चीज़ ठीक है, आपको सबके साथ काइंड होना है, बट सामने वाला उस काइंडनेस का, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाए, दैट यू कांट डू, वो आप नहीं कर सकते. आप अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं दे सकते हो. इट्स योर लाइफ, इट्स योर यू नो ये आपकी ज़िंदगी है, आपको चूज़ करना है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है. तो जो भी मेरे भाई बहन हैं, जो भी इन सब चीज़ों में फंसे पड़े हैं, आई नो इट्स वेरी हार्ड टू इवन ऑब्जर्व वट इज़ टॉक्सिक एंड वट्स नॉट, पर जहाँ पे आपकी कदर नहीं है, जहाँ पे आपको बहुत अब्यूज़ किया जा रहा है, आपको हर दिन बुरा फील किया जा रहा है, आप रो रहे हो, आप तड़प रहे हो, सो इट्स बेटर टू कम आउट ऑफ दैट थिंग. आई नो इट्स हार्ड, जस्ट एक्सेप्ट द ट्रूथ एंड लेट इट गो. फिर और अपने आप को कि इसी ऐसी चीज़ में बिजी रखो जो आपको जो आपको वो चीज़, आई थिंक 6 months इट टेक्स टू कम्प्लीटली वैनिश. दो यादें तो रहेंगी, अभी भी मुझे याद आती है वो सारी चीज़ें, कि यार अभी जब मैं लुक बैक करती हूँ उस फेज को, मुझे हंसी आती है कि यार क्या पागलपन था मेरा. बट वो चीज़ें रहेंगी, बट उनको इम्पोर्टेंस, बट फिर धीरे धीरे से वो चीज़ें आपको खुद पे काबू पाना है, खुद पे कंट्रोल करना है, खुद की टेम्पटेशंस को, जो शॉर्ट टर्म प्लेजर है उस पे उसको रोकना है, उसको ख़त्म करना है, उसको आगे नहीं बढ़ने देना है. एक लॉन्ग टर्म विजन रखिए, ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी. आई नो इट्स वेरी हार्ड बिकॉज आई हैव डन इट, सो आई नो दैट हाउ मच हार्ड इट इज़. क्योंकि लोग आपको बोलेंगे कि यार तू सड़ा हुआ मुंह क्यों बना रही है, तू ऐसे, बट दे डोंट नो द रियल ट्रूथ इनसाइड यू, व्हाट्स व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड यू. दे डोंट नो दैट कि आप किस हालत में आप गुजर रहे हो, आप पे क्या बीत रही है. स्टिल आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दैट फेज, मेरा किसी से मन नहीं करता था बात करने का. स्टिल जो कुछ लोग थे, मुझे स्माइल करना पड़ता था ताकि उनको ये फील ना हो कि व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, एंड इफ आई टेल देम दैट व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, एंड दे स्टार्ट जजिंग मी. सो आई ऑलवेज यूज टू स्टॉप माई सेल्फ कि नहीं यार. बट आज जब मैंने सोचा कि यार नहीं, आज इस बात में बात करनी चाहिए, मुझे खुल के बात करनी चाहिए, और जितने भी लोग हैं जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं, जो भी इस चीज़ में फंसे पड़े हैं, उनके लिए मुझे बात करनी चाहिए. आप अगर चाहें तो आप इससे बाहर आ सकते हैं, बस आपको खुद पर यकीन रखना है, खुद को प्यार करना है. आप समझिए कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है. अगर आपको कोई आपको बुरी तरीके से ट्रीट करता है, आप वो जाना चाहता है आपकी लाइफ, तो जाने दीजिए उसको. इनफैक्ट उसको बोलिए कि भाई अच्छी बात है, तू जा. उसको कॉन्ग्रेट्स बोलिए, उसको ऑल द बेस्ट बोलिए, ठीक है ना. अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, आपके लिए ये बेटर है इन द लॉन्ग रन. प्लीज़ अपने आप को बर्बाद मत कीजिए इस चीज़ पे, जहाँ आपकी टाइम और एनर्जी, नो वट एवर लव और वट एवर इट इज़, इट्स इट शुड बी अ टू वे प्रोसेस. जितना आप दे रहे हो सामने से भी आपको मिलना चाहिए इन रिटर्न. आई एम नॉट सेइंग कि गिव एंड टेक कर लो, बट एटलीस्ट
आप भी डिजर्व करते हो, सिर्फ आप ही देते, आपको सिर्फ हर्ट कर रहा है सामने वाला, आपको अब्यूज कर रहा है, एंड वट एवर इट इज, जिस तरीके से उसका मन चाहे आपको यूज कर रहा है, एंड देन यूर, आई थिंक आपकी भी गलती है, मेरी भी गलती थी, मैं उस चीज़ को समझ नहीं रही थी, मैं अपनी फोर्स कर रही थी कि नहीं नहीं तुम रहो तुम रहो, जबकि वो चाहता ही नहीं था. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ को समझो, आप खुद पे कंट्रोल लाओ. अगर आपको सामने वाला बोल रहा है कि नहीं करना है, उसको नहीं रहना, तो प्लीज़ टेल टेल हिम कि भाई चलो ठीक है आप जाओ, मेहरबानी करो मुझ पर. और बहुत सोच समझ के कोई भी फैसला लीजिए, अगर आपको किसी भी चीज़ में आगे बढ़ना है, कुछ भी करना है, बहुत रिस्पॉन्सिबली आप वो चीज़ लीजिए कि अगर आपको एक चीज़ में जाना है, एक पर्सन के साथ रहना है, वट एवर इट इज़, बहुत सोच समझ के ही फैसला लीजिए, बिकॉज इट्स नॉट एन ईजी जॉब. शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए, बस मैं यही कहूँगी. एंड आई होप कि ये जो ट्रू, मेरा ऑनेस्ट, आई नो इट्स नॉट, इट वॉज नेवर ईजी फॉर मी टू टॉक अबाउट इट, बट आई थिंक नाउ आई एम इन अ कंडीशन टू टॉक अबाउट इट. अगर मेरी कहानी से किसी की हेल्प होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. एनी वे, अपना ख्याल रखिए, एंड आई होप थोड़ी बहुत आप इस चीज़ को मैंने, मतलब इट्स इट वॉज अ काइंड ऑफ प्रिवेसी जो मैंने आपके, एंड आई थिंक आप सब लोग मेरी फैमिली है, सो मैं अब कुछ भी चीज़ मेरी प्रिवेसी नहीं है, तो मैं सोचा कि यार आज मैं इस बारे में भी बात करूँगी, और लेट द पीपल नो, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू नो द पीपल दैट यू नो, आप कहते हो ना बहुत ईजी होता है आपके लिए किसी को ऐसा बोलना कि यार ये तो बस सड़ा हुआ मुंह बना रही है, ऐसी ही है वैसी ही है, देर इज़ अ रीज़न, डोंट जस्ट जज अ बुक बाई इट्स कवर, ठीक है ना? पहले सोचिए समझिए कि मे बी कुछ रीज़न होगा दैट पर्सन इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू यू, और शी इज़ बिहेविंग डिफरेंटली, देर मस्ट बी अ रीज़न, बजाय इसके कि आप किसी को जज करें, उसके उसके दर्द को आप समझिए, ठीक है ना? उससे थोड़ी बात कीजिए कि बेटा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ना कि ये पूछे ये तो हमेशा से ही ऐसी है, इसको तो मन ही नहीं होता है किसी से बात करने का. तो प्लीज़ अगर आप किसी को भी इस कंडीशन में पाते हैं, उसकी बात सुनिए, उसको सपोर्ट दीजिए, और आपको भी अच्छा लगेगा. आप और आप काइंड हो तो आप काइंड ही रहो, आपको किसी दूसरे की वजह से अनकाइंड होने की ज़रूरत नहीं है. बस बस यही मुझे कहना था, एंड थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये अच्छा लगा और आप थोड़ी बहुत भी इससे इंस्पिरेशन लेंगे और अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे. थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.